अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मिक्स वेज रेसिपी, और इसके लिए हमने ले ली है गाजर। ये बिल्कुल फ्रेश गाजर है, इसको छील कर इस तरह से कट कर लिया है। फूल गोभी है, इसको गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है भिगो के। सेमे हैं, इनको भी कट करके रख लिया है। बैंगन है, ये पतला लंबा वाला बैंगन है, और आप कोई सा भी बैंगन यूज़ कर सकती हैं इसमें। और शिमला मिर्च है, इसको भी इस तरह से कट करके रख लिया है। मटर है, ये ताज़े मटर हैं बिल्कुल। मेथी की भाजी है, इसको भी अच्छे से धोकर रख लिया है हमने। और टमाटर ले लिए हैं, इनको इस तरह से कट करके रखा है। दो हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी काट लिया है। और आलू हैं, इनको अच्छे से छील कर धोकर इस तरह से गोल गोल काट लिया है इस तरह से। मिक्स वेज में जो मसाले डालेंगे, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और पकाने के लिए ऑयल। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया तो हम गैस को सिम कर देंगे, और इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम आलू डाल देंगे। पहले हम आलू फ्राई करेंगे। गैस को हाई कर देंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे और इसको ढक देंगे। मटर को डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं, तब हम इसमें दूसरी सब्जी ऐड कर देंगे, गाजर। फूलगोभी, सेमे, बैंगन, शिमला मिर्च, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। सब्जी को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही नमक। नमक और मिर्च आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्च, मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेगी मेथी की भाजी, इसको ढाक देंगे, स्लो कर देंगे। सब्जी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं।
सब्जियाँ भी सब अच्छे से गल गई हैं। देखिए आलू भी अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब बंद कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार हो गई, तो इसको सर्व कर लेते हैं। एक बार आप मेरे स्टाइल में मिक्स वेज जरूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।